अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिलीफ नामा के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैफुर रहमान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुफ्ती तारिक मसूद का सियालकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब, पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात और मंसूबों को उजागर किया। वफूद बराए तामीर व बहाली, सैलाब मुतासरीन के आखिरी वफ्द की जामियतुर रशीद वापसी, तातीलात, चार माही इम्तिहान के बाद दोबारा तालीम का आगाज। इस्लामाबाद तकरीब की शानदार कामयाबी, पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात को मुल्क भर में सराहा गया, हजरत उस्ताद साहिब का खुसूसी शुक्रिया। हेडलाइंस आपने जानी, आइए चलते हैं तफसीलात की तरफ। पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के वफ्द ने मुफ्ती तारिक मसूद की सरबराही में सियालकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का विजिट किया। चैंबर के सदर अब्दुल गफूर मलिक, सीनियर नायब सदर वहाब जहांगीर, नायब सदर आमिर मजीद शेख और दीगर अराकीन ने पुरजोश इस्तकबाल किया। ऑडिटोरियम शेख मोहम्मद शफी हाल में सीरतुल नबी की रोशनी में निज़ाम मईशत और समाजी जिम्मेदारियाँ के उनवान से तकरीब हुई। मुफ्ती तारिक मसूद ने खुसूसी खिताब किया। जे टी आर अलुमना एसोसिएशन के जेर इंतजाम मुल्क भर में रवाना होने वाले वफूद बराए तामीर व बहाली सैलाब मुतासरीन अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद कराची की जानिब रवा दवा हैं। इस सिलसिले में सबसे आखिर में पंजाब वफ्द की वापसी हुई, जिसने दो हफ्तों में पंजाब, के पी के और आज़ाद कश्मीर के दर्जन भर शहरों का दौरा किया। पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के जेर इंतजाम सैलाब से होने वाले नुकसान और हमारी जिम्मेदारियों के उनवान से मुख्तलिफ तकारीब का इंतजाम व इंसराम किया। नीज मुख्तलिफ शहरों में फजलाए जामियतुर रशीद का इज्तिमा भी मुनक्किद किया। वाज़ेह रहे कि यह दौरा जामियतुर रशीद की चार माही इम्तिहान की तातीलात में हुआ। 22 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता से दोबारा पढ़ाई का आगाज हो रहा है। 19 अक्टूबर की शब इस्लामाबाद में अजीमुशान तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुल्क की चीदा चीदा शख्सियात ने शिरकत की। पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमात और मंसूबों ने हाजिरीन को बेहद मुतासिर किया और उन्होंने पाक एड के शाना बशाना चलने को अपनी सआदत करार दिया और हर किस्म के तआवुन की यकीन दहानी कराई। सरपरस्त आला जामियत रशीद हजरत उस्ताद साहिब दामत बरकातहुम ने तकरीब को कामयाब बनाने वाले तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान का दिल की इताअत गहराइयों से शुक्रिया किया और खुसूसी मुबारकबाद दी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग, काबिल रश्क हैं, बल्कि काबिल फ़ख्र हैं। और माशाल्लाह जिस तरीके से सब साथियों ने इनफरादी तौर पर मेहनत की, इज्तिमाईयत के साथ, हम आहंगी के साथ और पूरे जज्बे के साथ और मिशन के साथ, अल्लाह ताला आप ज़ात को बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमाए, बहुत बरकतों से नवाजे। ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का और नुसरत का बहुत बड़ा इशारा है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रहमत की जो बारिश हुई है वो सबसे पहले आप लोग उसके मुस्तहिक बने हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ तकरीबात होंगी, जितने हमारे दफातर कायम होंगे, जितनी आगे पेशरफ्त होगी, आप लोग इसके लिए सदका, आप लोगों के लिए सदका जारिया भी होगा आपके लिए और आपके वालदैन के लिए, आपके साथीजा के लिए। सब साथियों को बहुत मुबारकबाद, सब के लिए बहुत दुआएँ, बहुत नेक तमन्नाएँ। अल्लाह ताला आप हज़रात को बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।